रहीम, अस्सलामु अलैकुम। HBS न्यूज के साथ मैं हूँ अलीजा कुरैशी। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। डेस्टिक रिपोर्टर जीशान अली की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद 3 माह कबल कैंट थाने की हदूद से अगवा होने वाली 13 साल बच्ची को पुलिस ने बाजियाब करवा लिया। ESP कैंट अयाज हुसैन की पुलिस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने HBS न्यूज और सहाफियों को मजीद बताते हुए कहा कि 4 सितंबर 2020 कैंट की हदूद से 13 साल बच्चा अगवा हुआ। 3 दिन पहले वाकई का मुकदमा शाकिर अनाई के वालिद मुश्तियाक ने दर्ज करवाया। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम जुल्फिकार को बदीन से गिरफ्तार कर लिया गया। एक मोरखा 4 सितंबर 2020 को एक बच्चा जिसका नाम शाकिर वल्द मुश्ताक अराई था, तकरीबन उसकी उम्र थी, वो अगवा हो गया, वो मिसिंग था, जिसकी FIR जो है पुलिस स्टेशन थाने पे आज से तीन दिन पहले मोरखा 8/12/2064 जो PPC सेक्शन है, इसके वालिद मुश्ताक ने ये FIR दर्ज करवाया, एज अ कंप्लेनेंट बने। तो इस पे हम काम कर रहे थे और इसमें हमने अपनी अर्बन एरिया है और साथ में जो एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं बदीन और कराची, यहाँ पे फ्रीक्वेंट मूवमेंट हो रही थी इस जो एक्यूज था। तो इस ये जो एक्यूज था ये इस लड़के को अपने साथ हमेशा रखता था और जो लड़का था थोड़ा सा मेंटली चैलेंज्ड लड़का था। तो इसको हमने अपनी टीम बनाई और इसमें डिजिटल हमने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम इस एक्यूज तक पहुंच गए। इसको फॉलो कर यहाँ पे एक बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूशन कह लें, एक इदारा कह लें, बना हुआ है, दैट इज़ सिटीज़न। एक बड़ा अच्छा लाइजान के साथ हमने काम किया और हमें इंफॉर्मेशन मिली कि थाना मॉडल टाउन बेदीन के हाथ में। तो ये हम अपनी इंफॉर्मेशन मैच्योर करते रहे और रात के कोई 3-4 बजे हमने अपनी इंफॉर्मेशन मैच्योर करके मैं ख़ुद अपनी टीम के साथ मॉडल टाउन मॉडल पुलिस स्टेशन बदीन की हद से हमने इस एक्यूज्ड को, इस बच्चे के साथ हमने अरेस्ट किया और बच्चे को रिकवर किया। तो बच्चे को हमने पुलिस कस्टडी में लिया है, उसका हम प्रॉपर हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया, उसका इलाज हुस्नाक वाकिया था और बाकी उसके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी हमने वहाँ पे हॉस्पिटल में उसको बच्चे को रेफ़र कर दिया है। तो बाकी आपका जो एक्यूज़ था वो इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। एक्यूज़ का नाम जुल्फकार है और जो बच्चे का पूरा नाम है शाकिर वल्द मुश्ताक अराई है। तो आप लोगों को ये इसमें बताना था। दूसरा ये कि बच्चे का हमने बयान लिया और बच्चे ने जो हमें सुकून से उनको बिठाया, उसकी थोड़ी सी काउंसलिंग की, जिस तरह से एक होता है एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दिया हमने, और उसमें बच्चा ने ये बयान दिया कि ये मुझे जद्दोकोप करता था, कभी कभी ज़्यादती भी इसके साथ करता था। तो इस बयान को मद्देनज़र रखते हुए हमने बच्चे के मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए इसको हॉस्पिटल भी रेफ़र किया हुआ है। तो बाकी आप अच्छी तरह समझते हैं कि सिंध पुलिस, एडिशनल IG साहब, DIG साहब, हमारे SSP नए आए हैं, इनका स्पेशल इंटरेस्ट है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड वेमेन। तो जो हमारे निगलेक्टेड सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उनको एम्पावरमेंट करने के लिए इनकी स्पेशल एफर्ट्स हैं। तो आई होप ये जो हमारी एक छोटी सी कोशिश थी, हमारी अल्लाह ने कामयाबी दी है।